बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है और स्कूलों की स्थिति क्या है, ये आज हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर दिखा करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार और हमारी सिस्टम जो दावा करती है उसके पीछे हकीकत क्या है। ये देखिए, ये बच्चे डिवाइडर पर पढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो डिवाइडर पर पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं ये। और देख लीजिए, ये पटना के सबसे ज़्यादा VVIP इलाके में स्थित ये स्कूल है, जहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे, मुश्किल से इन बच्चों की उम्र 5 साल, 10 साल या 12 साल होगी, और ये बच्चे डिवाइडर पर पढ़ने को मजबूर हैं क्योंकि इनके स्कूल में पानी लगा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हज भवन है और हज भवन के ठीक पीछे ये बच्चे सड़क पर पढ़ रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या है सिस्टम, क्या है परिस्थिति। सबसे पहले हम इसके बच्चों को स्कूल को दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से स्कूल में पानी जमा है। और आप देख लीजिए, पिछले बरसात के बाद कितना इसमें पानी है, कोई यहाँ रह नहीं सकता है, कोई बच्चा इसमें जा नहीं सकता है, कमर भर पानी है इस स्कूल में। प्राथमिक विद्यालय है सदर पटेल गोलंबर पुल के निकट, लेकिन उसके बावजूद देखिए भवन है स्कूल का, लेकिन बरसात के कारण पानी जमा है, इस वजह से बच्चे सड़क पर पढ़ रहे हैं। हकीकत यह है, हमारे सिस्टम की हकीकत है कि यहाँ से शिक्षा मंत्री का आवास मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होगा, मुख्यमंत्री का आवास 200 मीटर की दूरी पर होगा, बाकी जितने मंत्री हमारे हैं उनका आवास 200 से 400 मीटर की दूरी पर होगा। ये पटना का सबसे ज़्यादा VVIP इलाका है और वहाँ हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल यहाँ सड़क के किनारे पढ़ने को मजबूर हैं। तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आती हैं, बावजूद इसके आप देख लीजिए यहाँ पर बच्चों को सड़क पर बिठाया गया है। मजबूरी है कि बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे। आप देख लीजिए, बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं, सब कुछ है बच्चों के पास, लेकिन भवन होने के बावजूद बच्चे सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए गाड़ियाँ आती हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आती हैं इस सड़क पर, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। ये जो दावे करते हैं हमारे सिस्टम के लोग, जो हमारी सरकार दावा करती है कि हम बच्चों को किस स्तर का शिक्षा देंगे, तो ये देखिए यही स्तर है हमारे यहाँ के, हमारे राज्य के। हमारे साथ शिक्षिका हैं, सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा जी, बच्चों को आप सड़क पर पढ़ा रही हैं, डिवाइडर पर पढ़ा रही हैं, किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। घट तो सकती है सर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर, बच्चे का एग्जाम था, शैक्षणिक गतिविधि, तो बगल में चौड़ाई है, उसमें थोड़ा सा ये लोग का हम मतलब खेल कूद करवा लिए, उसके बाद खाना ये लोग खाएगा, और बच्चे काफ़ी हैं, तो जब ये पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो हम भी पढ़ाने के लिए उत्सुक। लेकिन सड़क पर ये कैसी पढ़ाई आप दे रही हैं? स्कूल का भवन है, सब कुछ है, सड़क पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अभी पानी है सर। पानी की शिकायत आपने की किसी से? पानी तो देखने का चीज़। लेकिन आपने किसी को, अधिकारी को, किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को या आपने ऊपर के अधिकारी को आपने बताया कि वहाँ पानी है, पढ़ाया नहीं जा सकता है? वो तो हम प्रभारी नहीं, प्रभारी जाने, प्रभारी गए हैं क्वेश्चन लाने। यहाँ दुर्घटना होगा तो कौन जिम्मेवार होगा इन बच्चों के साथ? आप इन बच्चों को यहाँ सड़क पर पढ़ा रही हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आ रही हैं, जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार तो हम ही हैं, जो है यहाँ वही ना जिम्मेवार होगा। आप हंस रही हैं, आप हंसिए नहीं। सबसे पहले ये बच्चों के ज़िंदगी से आप खिलवाड़ कर रही हैं, सड़क पर आप बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखिए कितनी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आ रही हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं, सुरक्षा के लिए तो हम घूम ही रहे हैं। आप घूम रही हैं, लेकिन ऐसे पढ़ाना ठीक है? नहीं, पढ़ाना तो ठीक नहीं है। शिक्षक भी मानते हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी कहीं रही होगी, हालांकि ये पढ़ा रही हैं बच्चों को। क्या नाम है बाबू? प्रिंस कुमार। डर लगता है सड़क पर पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, डर बहुत लगता है। क्यों सड़क पर पढ़ रहे हैं? कौन बोला यहाँ पढ़ने? विद्यालय में पानी घुस गया। पानी घुस गया है? हाँ। कितने दिनों से सड़क पर पढ़ रहे हैं? ये 3 दिन से। यहाँ कितना डर लगता है, गाड़ी वाड़ी सब आता है? बहुत डर लगता है। बाबू, कितने दिनों से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ स्कूल के लोग क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं? 2 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर बोलता है कि
सड़क पर मत जाओ, रोड पर मत जाओ, खतरा हो सकता है। काफी तेजी से गाड़ी आता है बाबू, जब गाड़ी आता है तो फिर क्या करते हो तुम लोग? रुक जाते हैं। तो ये देखिए, ये हकीकत है हमारे सिस्टम की। ये बता रही है, तस्वीर बता रही है कि यहाँ से चंद कदम के दूर पर स्कूल का भवन है, लेकिन पानी लगे होने के कारण जो मजबूरी है, शिक्षक की भी मजबूरी है, वो बच्चों को लेकर के पानी लगे भवन में कैसे जाएंगी। लेकिन एहतियातन स्कूल को बंद कर देना चाहिए, बच्चे सड़क पर हैं, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। आप देख लीजिए, ये तस्वीर है इन बच्चों की, इन नौनिहालों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारे देश के भविष्य सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं, जब जहाँ पर इनके जान को भी खतरा हो सकता है, कभी कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, लेकिन ये हमारे सिस्टम की हकीकत है। 100% W के साथ शैलेंद्र साहिल, कशिश न्यूज़, पटना।